हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुमेरपुर गौरव यात्रा में 30,000 लोगों को इकट्ठा करने का लक्ष्य। 30 अगस्त को गौरव यात्रा को लेकर कार्यकर्ता को दिए निर्देश। सुमेरपुर में भाजपा सरकार की राजस्थान गौरव यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आगामी 30 अगस्त को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सुमेरपुर के शिक्षा क्रांति रंगमंच मैदान में करेंगी आमजन को संबोधित। भाजपा जिला अध्यक्ष करण सिंह नेत्रा, विधायक मदन राठौड़ व भाजपा कार्यकर्ता तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं उपखंड प्रशासन भी गौरव यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है। गौरव यात्रा को लेकर विधायक मदन राठौड़ ने पार्टी कार्यकर्ताओं एवं उपखंड प्रशासन को आवश्यक निर्देश देते हुए पूरे मैदान सहित पार्किंग व्यवस्था के लिए भी स्थानों को चिन्हित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष करण सिंह नेत्रा ने बताया कि गौरव यात्रा में भाग लेने के लिए करीबन 30,000 लोगों का लक्ष्य है, लेकिन उससे काफी ज्यादा भीड़ यहां पर पहुंचेगी, क्योंकि इन 60 वर्षों के मुकाबले 4 वर्षों में जो विकास कार्य हुए हैं, इन कार्यों को देखते हुए लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, जो हमारे लक्ष्य से ऊपर लोगों की भीड़ एकत्रित होगी। शनिवार दोपहर को भाजपा के सुमेरपुर विधायक मदन राठौड़ एवं भाजपा जिला अध्यक्ष करण सिंह नेत्रा, उपखंड अधिकारी विनोद कुमार मल्होत्रा, तहसीलदार नरेश कुमार सोनी, सुमेरपुर पुलिस उपाध्यक्ष कान सिंह भाटी, सुमेरपुर प्रधान राजेंद्र सिंह कोलीवाड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष जोराराम कुमावत, अधिशासी अधिकारी सोम मिश्रा, सार्वजनिक निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियंता रमेश परिहार सहित भाजपा कार्यकर्ता शिक्षा क्रांति रंगमंच मैदान में मौजूद थे। तत्पश्चात सांडेराव व सिंदरू में मुख्यमंत्री के गौरव यात्रा के स्वागत कार्यक्रम की तैयारियां का भी अवलोकन किया। राजस्थान गौरव यात्रा पाली जिले में 19 तारीख को प्रवेश करेगी और जैतारण से कार्यक्रम शुरू होगा। पूरे जिले में कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह है। हम जनता के बीच में चुनाव मैनिफेस्टो के माध्यम से हम जो वादे करके गए थे, लगभग 100% हमने पूरे किए, और इस दृष्टि से हम राजस्थान गौरव यात्रा लेके आ रहे हैं। और राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में 29 तारीख को जैतारण से कार्यक्रम शुरू होगा। जैतारण में आम सभा होगी, उसके बाद में सोजत में आम सभा होगी, और सोजत के बाद में बागावास, उसके बाद जाडन, दो जगह स्वागत है। फिर पाली में आम सभा, उसके बाद में कीरवा, गुंदूज, झोला और सांडेराम में स्वागत रखा गया है, और उसके बाद बाली और फालना में भी स्वागत रहेगा। सुमेरपुर में कितने कार्यकर्ता आने की संभावना आपको है? सुमेरपुर में जो उत्साह देखे उस समय, तो मुझे लग रहा है जो हमारा जो लक्ष्य है उससे बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। ऐसा लग रहा है कि अभी हमने लक्ष्य तो 20-25 हज़ार का रखा है, लेकिन जो लोगों में उत्साह है, अभी जो कल बूथ सम्मेलन सुमेरपुर का हुआ, तो हमने वह अपेक्षा की गई थी कि भाई 2,000 लोग हमारे आएंगे, लेकिन बूथ से जो कार्यकर्ता आए वो 4,000 से भी ज़्यादा है। इस प्रकार से लग रहा है कि संख्या दुगनी हो जाएगी, इसलिए व्यवस्था में हम आज यहाँ लगे हुए हैं। व्यवस्था में पूरा पार्टी के हर पदाधिकारी है, मंडल के पदाधिकारी है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, विभिन्न प्रकार के मोर्चे और पार्टी का प्रदेश नेतृत्व भी हमारे यहाँ, उनके हिसाब से एक एक पर्यवेक्षक लगा हुआ है। जोरदार उत्साह है। यहाँ के क्षत्रिय विधायक माननीय मदनी राठौड़ साहब का कैसे भी, उनका कार्यकर्ताओं के प्रति जोरदार प्रेम है, तो नाम से भी वहाँ लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है। सुमेरपुर में तो बहुत अधिक प्रधान साहब ये हमारे साथ है, ये पूरा संगठन साथ है, और यहाँ प्रधान साहब ने भी एक ईमानदार छवि रखी है। यहाँ के चेयरमैन ने भी ईमानदार छवि से काम किया, इसलिए इस क्षेत्र में लोगों में और ज़्यादा उत्साह है। बड़ी बड़ी योजनाएं भी लाए, यहाँ तक कि जवाई पुनर्भरण जैसा मामला है, 6,000 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने आरक्षित रखा इस काम के लिए, इसलिए यहाँ कार्यकर्ताओं में अच्छा उत्साह है। सुमेरपुर से जागरूक टीवी के लिए तरुण रावल की रिपोर्ट।